रात के 2 बजे हम अमित शाह को क्या बोलेंगे, आई लव यू। कृष्ण के बहन का विवाह अर्जुन से और अर्जुन का बहन का विवाह कृष्ण से। अरे तू आधा भाई कौन थी? बीजेपी का सब बड़का नेता का विवाह मुसलमान में। जोधा अकबर, रिश्तेदारी भी करोगे और गरियाओगे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ गरिमा भारती। एक तरफ भाजपा और अमित शाह जहाँ बिहार के लोगों को, देश के लोगों को NRC, NPR और CA के बारे में समझाने में लगे हैं, उनको मनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव NRC, CA और NPR के विरोध में ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा है। जरा आप इस वीडियो में देखिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। टेलीफोन नंबर, रात के 2 बजे हम अमित शाह को क्या बोलेंगे, आई लव यू। टेलीफोन नंबर, पागल नतन, इसको समझे में नहीं आता। कृष्ण के बहन का विवाह अर्जुन से और अर्जुन का बहन का विवाह कृष्ण से। आए हम रिश्तेदार हैं। जोधा भाई कौन थी? जोधा भाई, अरे जोधा भाई कौन थी? बीजेपी का सब बड़का नेता का विवाह मुसलमान में। जोधा अकबर, रिश्तेदारी भी करोगे और गरियाओगे भी। खोज करो, खोज करो, खोज करो, चुट्टी काटो। मरने ये देश को तोड़ना, याद रखिए जाइएगा। मोदी जी, पप्पू यादव जैसे लोग जब तक है तब तक जामिया और JNU हिफाजत में है। एक बार नहीं, लाखों बार मरने की तैयारी कर। लेकिन मुझे चिंता है बिहार में ये आंदोलन नहीं उठा। सही मैं कहता हूँ, मुझे नफरत होता है कभी कभी। पप्पू यादव ने कहा है कि ये भाजपा वाले देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन देश को बचाना है। मुसलमानों को तो भाजपा ने दुश्मन ही मान लिया है, देश में रहने नहीं देना चाहते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि यदि गिनती कर ले तो भाजपा के नेताओं की ही लिस्ट सबसे लंबी बनेगी, जिन्होंने स्वयं अथवा उनके बाल बच्चों ने मुसलमानों से शादी की है। तो फिर यह कैसे होगा कि शादी करने के लिए मुसलमान भाजपा नेताओं के लिए ठीक हैं पर देश में रहने के लिए नहीं? तो देखा आपने किस तरह से पप्पू यादव ने भाजपा पर तंज कसा है, अमित शाह पर तंज कसा है, पूरे के पूरे भाजपा नेताओं पर तंज कसा है। एक तरफ जहां उन्होंने जोधा भाई और अकबर के रिश्ते का उदाहरण दिया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भाजपा के नेता या फिर उनके बाल बच्चे सबसे अधिक मुसलमानों से शादी करते हैं। शादी करने के लिए तो मुसलमान ठीक है, लेकिन देश में रहने के लिए मुसलमान ठीक क्यों नहीं है? ऐसा उन्होंने CA और NRC के कानून को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में आकर, ज़्यादा संख्या में आकर NRC और CA का विरोध कर रहे हैं। पटना के सब्जी बाग में भी बड़ी संख्या में लोग जमा होकर अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव भी इसमें शामिल हुए थे, जिस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। रात के 2 बजे हम अमित शाह को क्या बोलेंगे, आई लव यू। कृष्ण के बहन का विवाह अर्जुन से और अर्जुन का बहन का विवाह कृष्ण से। अरे जोधा भाई कौन थी? बीजेपी का सब बड़का नेता का विवाह मुसलमान में। जोधा अकबर, रिश्तेदारी भी करोगे और गरियाओगे भी।